कहाँ तक भागेगा तू, कहाँ तक भागेगा तू। For this week's of my playlist on Radio Alive 106.3 FM, Qatar ka number one Hindi radio station, mere saath hai ek poet plus singer plus composer plus writer, Ravikesh. Welcome to Radio Alive. Thank you, Vivek. Thank you. तो पहला सवाल आपसे रहेगा कि कविताओं से पोएम से लेकर म्यूजिक तक, how has the journey been, अभी तक का कैसा रहा है in your music field? Music तो मेरी जस्ट प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हुई है पहले गाने के साथ। हाँ, लगाव जो है वो बचपन से रहा है म्यूजिक से। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक माँ की तरह रिश्ता रहा है, उसी की गोद में सोना, उसी को जगाना। और हम जिस माहौल से आके बिहार में भागलपुर करके एक जगह है, ठीक है, वहां पे एक छोटा सा गांव है, मैं वहां पे पला बढ़ा हूं। हमेशा गाने गाता रहा हूं मैं। जहां तक सीखने की बात है, ऐसी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो मेरी नहीं रही है। लता जी, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, भीमसेन जोशी साहब, इन लोगों को सुना बहुत है। इनको सुन सुन के दोस्तों के बीच गाते रहे हैं, वो हमेशा इंकरेज करते रहे हैं। उनको अच्छा लगा तो एक आफ्टर सर्टन पॉइंट लगा कि हमें गाना चाहिए था, ये गाना आना चाहिए, तो अब इस गाने को लेकर आए। या कोई भी त्योहार होता था तो उसके मौके पे प्लेज हुआ करते थे, नाटक हुआ करते थे। तो उसमें जो है ना, बीच बीच में क्या होता था, नाटकों के बीच जो है ना, सिंगर्स भी आके परफॉर्म करते, तो उन सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो आपका ज्यादातर फोकस हरदम राइटिंग पे रहा है, एंड आपने ये कदम उठाया बीच में कि मतलब अभी रिसेंटली कि आपको गाने की तरफ जो लगाव जो है उसको आप लिखने से आगे बढ़कर उसको एक्सप्रेस करने की तरह आपने सोचा? मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा, ठीक है, या एज अ राइटर मुझे रोजी रोटी मिलेगी। आपको जो काम मिलता है आप वो करने लगते हैं, फिर वो जो आप करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं साइड ट्रैक हो जाता है, ठीक है। तो राइटिंग में काम मिला तो आप राइटिंग करने लगे, तो राइटर बनने तो मैं नहीं आया था, काम मिला वो करने लगे, बहुत सीखा उससे। और मैंने जितने भी शोज किए, रियलिटी शोज किए हैं जिसमें सिंगिंग, डांसिंग ऐसे वाले शोज भी किए हैं, तो उसमें सीखने को बहुत मिला। बहुत ही जबरदस्त। और इस वीक का ऑफ माय प्लेलिस्ट का ट्रैक इज आपका बहुत ही प्यारा सा सोलफुल नंबर which has over 766,000 views on YouTube, and गाने का नाम है पगला। पहली बात तो ये गाना आपने कब लिखा और ये गाना क्या बात करता है, क्या इसका मेन टॉपिक रहा, कैसे आपने सोचा और फिर कैसे ये पूरा गाना बना? एक्चुअली ये कंपोजिशन जो है पंकज राठौर करके एक कंपोजर है, उनका कंपोजिशन है, हमने साथ में लिखा है। हाँ, तो मैं दो ढाई साल पहले एक फिल्म कर रहा था, तो फिल्म के दौरान मेरी पंकज से मुलाकात की थी, उन्होंने उस वक्त गाना सुनाया था। फिल्म में तो वो गाना कहीं बैठा नहीं। फिर बाद में लगभग 6 महीने पहले जब मैंने ऐसा लोगों का एनकरेजमेंट सुनते सुनते जब आपका मन हुआ कि भाई गाना करना है, ठीक है, तो वो गाना मेरे ध्यान में गया, यार वो गाना तो बहुत सही था, फिल्म में तो नहीं कर पाया, पर फिर से सुनते हैं। तो पंकज को बुला के गाना सुना और मैंने पंकज से पूछा कि भाई ये कंपोजिशन मुझे बहुत पसंद है, मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल भाई आप गाइए। फिर हमने साथ में ये गाना बनाया। और आपका जो दूसरा सवाल है कि किस बारे में ये गाना जो है किस बारे में बात करता है, तो बेसिकली जैसा कि एक आप बहुत कुछ करते हैं जीवन में, काम कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, उसके अपने उतार चढ़ाव है, आपके मन में ईगो भी आता है, आपको कभी आप लो भी फील करते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं आप, और इन सब में जब अपने आप से बात करते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, अपने आप से आपकी कैसी बातचीत होती है, ये गाना उस बारे में बात करता है, अपने मन की बात करता है, आपकी आपसे एक कन्वर्सेशन है। हाँ, और ये गाना बहुत ही खूबसूरत है और ऐसा नहीं लग रहा कि आप पहली बार गा रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली जब मैंने वीडियो देखा, मैंने गाना सुना, बहुत ही प्यारा लगा और बहुत ही लगा दिल से आपने इस पूरे गाने को गाया है। तो बिफोर आई लेट यू गो, इफ यू कुड जस्ट सिंग फ्यू लाइंस ऑफ द सॉन्ग, दैट विल बी ग्रेट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दिन रात ढोए खुद को बोझा उतार रे, तुझ पे तू ही भोला, तू है उधार रे, जागे किसके लिए, आगे किसके लिए, धागे कैसे भोला, भागे किसके लिए, कहाँ तक भागेगा तू, कहाँ तक भागेगा तू, कहाँ तक भागेगा तू, कहाँ तक भागेगा तू, आना शमशाना रे पगला रे पगला। अरे बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। जो लिरिक्स, जो शब्द यूज हुए हैं बहुत ही मस्त हैं और साथ ही साथ आपने गाया भी बहुत ही बेहतरीन है। रविकेश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग राइट हियर ऑन रेडियो 106.3 FM, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू विवेक, सेम हियर, आई होप टू सी यू सून।